तो मैं सवाल उठाती हूँ परविंदर सेठी जी आपसे, अब गुजरात में चुनाव क्या लड़ने हैं हिंदुओं के लिए, छठ पूजा के लिए यमुना तो साफ हुई नहीं, वहां तो गंद तैर रहा है, लोगों को डुबकी लगाने में मुश्किल है, लेकिन नोटों पर आपको चाहिए लक्ष्मी गणेश। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये हिंदू कार्ड और तस्वीर अगर देखना चाहें तो जो लोग कहते थे कि अयोध्या में तो बड़ा अस्पताल बना देना चाहिए, बड़ी विश्वविद्यालय बना देना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल को तो उनकी नानी जी का ध्यान भी है, वक्तव्य जब उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी अयोध्या में जहां मस्जिद गिरा के मंदिर बनी थी। ये देख लीजिए, अयोध्या में पूजा हो रही है, पूजा हो रही है सेठी साहब, पूजा के अलावा जहां जहां जाते हैं, गोवा जाते हैं तो लोगों को कहते हैं तीर्थ कराऊंगा तो अयोध्या की कराऊंगा, गुजरात जाते हैं तो कहते हैं तीर्थ कराऊंगा तो अयोध्या की। अब अयोध्या और राम का अस्तित्व सिर्फ वोटों के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, भारत एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किस धर्म को मानते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बाकी सारी चीजें बेईमानी है। पूरे संसार के अंदर चुनाव जो है मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार पर होता है कि रोजगार के लिए हम क्या करेंगे, इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, पानी बिजली के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, शिक्षा के लिए क्या करेंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य है, यहाँ पे चुनाव होता है जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, पाकिस्तान भारत के नाम पे, यहाँ पे दो कौमों को लड़वाकर उसका बेनिफिट लिया जाता है। आप बात कर रहे हैं जमुना नदी की, मैं कहता हूं मुद्दे का जवाब मुद्दा नहीं होता। अगर अरविंद केजरीवाल कूड़े के ढेर देखने जाते हैं तो ये सारी बीजेपी जमुना नदी पर चली जाती है। मैं कहता हूं वहां पे आप एक बीजेपी का ऑफिस बना दीजिए। आप एक बात बताइए, पांच राज्यों से जमुना नदी आती है, पांच राज्यों से जमुना, यहाँ पे सिर्फ 2% है, वजीराबाद से लेके ओखला तक 22 किलोमीटर। तो ये बात फिर मैनिफेस्टो में लिखी क्यों थी अगर आपका उसके ऊपर कोई इख्तियार ही नहीं है? हरियाणा को करना चाहिए, उत्तर प्रदेश को करना चाहिए, तो आपने मैनिफेस्टो में ये बात जमुना की बात मैनिफेस्टो में है या नहीं? हाँ या ना है? अरविंद जी ने 2025 तक का समय मांगा है, 2025 तक का समय मांगा है, इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की कलेक्टिव जिम्मेवारी है। एमसीडी ने वहां पे जितना सीवेज सिस्टम है आप देखे ना, 92 नाले हैं जिसमें 62 अनट्रैप्ड है, तो फिर उन सीवेज सिस्टम को सही करने के लिए एमसीडी की भी जिम्मेवारी है। आप कूड़े के ढेर के ऊपर क्या बात करेंगे? ये बात कूड़े के ढेर